guys, what's up? What's How up, you doing? What's up? We're back with another video. Today we're gonna do a cook-off, but with a twist. Camera ke piche Vivek jo hamara director, unko pata twist kya hai. To Vivek, apna muh khole, twist bataye. Zubaan kaise nahi kare. Twist hum batayenge nahi, tumhe denge. Bhai, ye kaisa twist hai? Haan, theek hai. Aur bata, video kya hai? आपको ये लग रहा है कि हम 100 रुपए में कुक ऑफ नहीं कर पाएंगे? Is what do you think? Interesting. It's a very interesting concept. मैं बताऊं, अगर आपने वो भुंजा बनाया जो आप पहले 4 कुक ऑफ में बना रहे हो, सेटी विवेक जज कर रहा है ना? जज कौन है? You are the judge. I am the judge. Haters gonna hate. They're gonna say what they wanna say. Potato gonna potato. Potatoes gonna potato. Haters gonna say whatever they wanna say. Today I'm gonna make parfait. I'll make dahi vada in 100 rupees. Yeah. Damn. So, get excited, people. Come on. Woo! Guys, yeah. Dahi vada. Woo! Okay then, Mr. Sati. Let's, okay. Yeah. All the best. All the best to you too, sir. All the best, bhai. Yes, all the best. Abhai saale. Chalo, bhai. Bhai, main pehle ja raha hoon. Par jo mera khabe kya? Gussa kar de. Kya? Kanish ko itni jaldi thi. Kanish CD se chala gaya, bhai. What a guy. What a guy. Bhaiya, dekho, main YouTube se aaya hoon. Jab bhi koi camera leke aata na, to aapko ye samajh jana chahiye wo फ्री का सामान लेगा, समझो इसको। मेरी रोजी रोटी का सवाल है भैया। चीजें कितनी महंगी हो गई है भाई, जब 100 रुपए का कुक ऑफ करना है ना, ऐसा लग रहा है सब कुछ महंगा लग रहा है। दीदी आप अंगूर ले रहे हो? तो मैं आप अंगूर ले लो, मेरे को थोड़ा सा दे दो अपने वाले में से। हैं, एक उछा ले लूं पक्का। दही ले लिया, ब्रेड ले लिया, चीनी ले ली, काला नमक ले लिया, मिर्च पाउडर ले ली और जीरा पाउडर भी ले लिया है ना। तो दिस इज इमली चटनी, ये मुझे चाहिए थी एंड सौंठ चटनी भी चाहिए थी, सौंठ नहीं मिली। ग्रेट डील भाई, वाह, बादाम भी मिल गया। शाबाश, थैंक यू सो मच दोस्त। ऑलराइट, आई एम रेडी टू कुक। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं। ब्रेड दही वड़ा इज कमिंग योर वे फ्रेंड्स। और सेटी। हाँ मिस्टर कंटेंडर, हाउ आर यू? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? दिस इज माय ऑल द इंग्रेडिएंट्स। इज माय इंग्रेडिएंट्स, यू सी दिस बफी, यू रिमेंबर द क्रंची स्टफ, द बिस्किट्स, बटर। मेरे लिए क्या जरूरत है यार? आई नो यू आर स्वीट बट स्टिल। अपना विवेक, मुझे पता नहीं था ये दही वड़ा मतलब विद ब्रेड। विद ब्रेड, दैट्स द कैच। ये व्हाइट ब्रेड है? ओह माय गॉड, विवेक सर सिर्फ ब्राउन ब्रेड खाते हैं, जस्ट सेइंग। आई डोंट नो, 100 रुपए में ये पार्फे कैसे बनाएगा? अगर 100 रुपए में इसने एक्चुअली पार्फे बना लिया, देन आई विल बी इसके 100 रुपए के पार्फे का फैन। पार्फे, पार्फे की स्पेलिंग पता सटी क्या होती है? या बताओ। PARFAIT। एग्जैक्टली, परफाइट। परफेक्ट, परफेक्ट। ऑलराइट, चलें। रेडी। एवरी मैजिशियन हैज अ ट्रिक। ये हैंकी वही है जो तू कल पसीना पोंछा था? नहीं भाई, साफ हैंकी यार। बहुत ही गंदे तरीके से बना रहा है भाई। कोई नहीं, उसके बाद हाथ धो लूंगा, हाथ तो साफ है मेरे। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत है इस ब्रेड दही वड़े से। जब मैंने पहली बार खाया था तो आई वाज लाइक वाओ, कि ऐसा 30 साल तक मेरे को किसी ने बताया क्यों नहीं इसके बारे में। इसका शेप ट्रायंगल होगा? हाँ। अच्छा। इसके बाद तो देखना, जब ये पूरा बन जाएगा ना। हाँ चलो ठीक है भाई, दही में चीनी मिला रहे हैं। मैं तो दही चीनी खाता था एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले कोई फायदा नहीं हुआ, बट मैं अपने क्वेश्चन पेपर खा लेता था बता आपको। एक्चुअली क्यों, मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो आई वाज लाइक ब्रो दिस क्वेश्चन पेपर इट लुक्स वेरी टेस्टी। सफाई क्यों करने लगा पहले, बना तो ले। पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, खुद तो तुझे पसंद है, लेकिन किसने टोका? बेब्स ने। मैं खुद को टोकता हूँ, मतलब बेब्स ने नहीं टोका, मैं खुद को टोकता हूँ। आई डोंट लाइक इट। स्टारबक्स में पार्फे मिलता है 400 रुपए का। हाँ। और तू बना रहा है जो 100 रुपए में बना रहा है। हाँ। ठीक है ना, उसका 144p वर्जन। तो सेटी अपने कंपटीटर को आप नीचे दिखा के जीतना चाहते हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, मैं तो तेरे को एडवाइस दे रहा हूँ। क्या? कि मत बना। ओए पापे, मैंने कुछ नहीं किया। देखो देखो, आपका लाइन यहाँ पे सेटी, आपकी लाइन यहाँ पे। अभी ये नीचे जाता है, इंट्रूड किया है। मेरा दही थोड़ा गिर गया यार। दैट्स व्हाट ही सेड। शुभ काम के लिए जा रही हो, दही चीनी खा के जाओ। दिल वाले पूछ दे नीचे आ रहे भाई सेटी। इससे पहले मैंने दही वड़ा बनाया कभी नहीं है, सिर्फ खाया है। एंड मैंने खाते खाते ये पता कर लिया था कि बनता कैसे है, सो आई एम दैट स्मार्ट। 100 रुपए का कुक ऑफ में मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, बट सेटी के दही वड़े को देख के थोड़ा थोड़ा चिंता में आ चुका हूँ। सबसे महंगा तूने कहाँ खाया आज तक? एक बिस्किट खिला था। मैंने सबसे महंगा खाया भाई ओके टेस्टेड की किसी वीडियो में ही। बट मेरा एक सपना है कि बॉम्बे में ताज होटल में जाके मुझे चाय पीनी है। एंड दैट्स आई थिंक अराउंड 7000 और समथिंग। ताज के मेंबर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि हम फ्री में चाय पी लें, तो प्लीज हमें इन्वाइट करिए। हम 5-star होटल के भूखो। ये कितना सरियल है, हम 100 रुपए का कुक ऑफ कर रहे हैं और ताज को बोल रहे हैं कि हमें बुलाओ चाय पीने। हिपोक्रेसी।
भाई काला नमक अरे यार भाई सेटी का खाना बन भी गया है क्या मेरा एक्चुअली 10 मिनट में रेडी हो जाएगा 5 मिनट में ओ शिट आग में क्या मैं निकालता हूँ लो 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 आपने दो दो ठीक है यार लेकिन आप ये सोच रहे हो सेटी हम कर क्या रहे हैं हम विवेक के लिए खाना बना रहे हैं जिंदगी में कभी करोगे ऐसा दैट्स अ गुड पॉइंट ये तो आपने मुझे गाड़ी में बोला था ना आते हुए कि हम ये क्या कर रहे हैं तो वही तो मैं रिपीट कर रहा हूं तो मेरे साथ आए नहीं आज हां यू आर लाइंग सेटी आप जीतने के लिए आप ये भी करने लगोगे तो मेरे साथ आए ओ माय गॉड ठीक है नहीं आया सेटी ठीक है जीत जाओ आप कितना ड्रामेबाज है भाई सेटी आपको विजुअली तो बिल्कुल एपेटाइजिंग नहीं लग रहा बट आई एम श्योर इसका टेस्ट अच्छा होगा मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं ठीक है चूड़ा आम दे रहा है क्या अबे रुक जाओ यार बिहार में ऐसा आम के पल्प निकाल के चूड़ा खाते हैं उसके साथ पता है तेरे को क्या बात कर रहा है सही में भाई मैंने वेरी गुड भाई मैं 30 साल से बिहारी हूं मेरे को ये आता नहीं पता कि इसके अंदर चूड़ा लगा के खाते हैं पल्प पूरा निकाल के आज मैं सुनो दो आम लेंगे चूड़ा खरीदेंगे और साले ये खाएंगे है ना और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालेंगे भाई आज हम चूड़ा आम खाएंगे मेरा मेरे को लग रहा है कि दोनों में पोटेंशियल है आई रियली लाइक चूड़ा और आम तो भाई बिहारी इन द कमेंट सेक्शन विल नो कि ये चूड़ा और आम का पल्प बहुत सही लगता है बहुत ही सेक्सी भाई मेरे को ना एक दिन पता है मैं इतना अमीर होना चाहता हूँ कि मैं एक ना बाथटब खरीदूं उसको ना आम से भर दूं और उसमें नहाते नहाते खाऊं आम थोड़ा घिनौना होगा ये दे दे मेरे को ये खा लूं खा लो खा लो एक और छिलका चाहिए किसी को स्टिकी होता पूरा हो आधा स्टिकी का कोई फायदा नहीं है आम ब्रो कंपेटिटर्स क्या करते हैं मेरे को एक बात बताओ अंबानी जी ने क्या किया हॉटस्टार से क्रिकेट ले लिया आईपीएल अब क्या किया सारी ऑडियंस अपने पास लिया सैटी वही कर रहे हैं पहले ये बता रहे हैं कि इसका आम खराब है मेरा मेरा आके ये खाओ दही बल्ला भाई 100 रुपए की वैल्यू बचपन में बहुत होती है यार बहुत ज्यादा होती थी भाई क्या क्या चीजें कर सकते थे भाई आपको पता मैं क्या पॉकेट मनी कितनी मिलती थी बता कॉलेज में ना मैं 10 रुपए लेके जाता था कसम खा रहा हूं मैं सही आई स्वेयर ब्रो जब मैं कॉलेज में आ गया था तब भी आई थिंक 100 रुपए मिलते थे मुझे हफ्ते के ऐसा नहीं था कि पैसा क्योंकि शहर ऐसा था बहुत सस्ता था जनरली दुनिया सस्ती थी उस टाइम लाइक 100 रुपए में आप 10 घंटे साइबर कैफे में बैठ के सिर्फ गेम खेल सकते हो 10 घंटे हाँ है ना हाँ चल रहा है चल रहा है क्या चल रहा है बिस्किट्स हाँ अबे साले रुक जा चला ना सटी ऐसे रुक जाओ रखो, 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 रखो। अरे सटी तुम तो अगेंस्ट हो भाई तुम क्यों हेल्प कर रहे हो उसका बिस्किट जल रहा था मेरे को अच्छा सा नहीं लगा रिएक्शन दिया तो बहुत बुरा है घोषित कर दे मुझे विनर मैं जीत गया फक और मेहनत क्यों करूं ओके ऑलराइट या मेरा वाला जो है वो बेसिकली ब्रेकफास्ट डेजर्ट है तो ये आपको अगर सुबह थोड़ी एनर्जी चाहिए थोड़ा टेस्टी अमीरों वाला खाना खाना है और हेल्दी खाना खाना है तो पार्फे इज मेरा वाला दिल खुश डिश में आएगा आपके दिल खुश कर देगा खाते ही खाने में वही है भाई जब तक हिला होना ना मजा नहीं आता समझ रहे हो ना सेटी ये देखो इसको कहते हैं हंकर्ड क्योंकि हंग हो जाता है लोग पूछ रहे हैं हंकर्ड क्या होता है दिस इज हंकर्ड इट इज हंग समझ रहे हो सेटी टू बी हैंग टिल डेथ टू बी हैंग टिल चलो दोस्तों मेरा प्लेटिंग का समय आ चुका है क्लोजअप शॉट तैयार कर लें ब्रदर पाथ ऑल द बेस्ट ओके ओके ऑलराइट आई थिंक आई एम रेडी माय डिश इज डन मैं कनिष्क के डिश को अपने डिश को तन्नु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी तो प्लीज विवेक सर आ जाए अच्छा ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी का भाई लग रहा है किसी की जान लग रहा है तो पहले भाई के पास जाते हैं So what? दो चम्मच में मेरे ऐप से छुपने नहीं वाले ये बात भी है काफी सॉफ्ट है और स्पाइसेस भी निकल निकल के आ रहे हैं जो इमली का जो इस्तेमाल किया है अच्छा इस्तेमाल किया है और मैंने सुना है कि तुमने 2 रुपए की किफायती बचत भी करी है so, मैं उसके भी मार्क्स देना चाहूंगा सर दिखने में काफी ज्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है हाँ सर काफी अच्छा लग रहा है मुझे मीठे का बहुत शौक है तो ये तेरे प्लस पॉइंट भी हो सकता है एक बात बता कनिष मैं 100 रुपए में मुझे फ्रूट चाट खिला दी तूने लिटरली फ्रूट चाट बनाया वो भी दिल से दिल पे हाथ रख के बोल कैसा बना है इम्तिहान की घड़ी आ गई है दोस्तों द विनर इज ये
नीचे नीचे साले एंटीसिपेशन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पारफ्रे कुछ ऐसे मजा ये ये मजे ले रहा है ये मत कर भाई ये मत कर। लेकिन मैं सच बताना चाहूंगा कि तू ही विनर होता अगर अबे साले भगिया से पक्का फाइनल कर भाई फाइनल कर दे अब फाइनल इज दिस विनर ये थैंक यू सो मच आई एम ऑनर्ड यू लाइक्ड इट। जज का टेस्ट बड़ी सस्ता है तो करें क्या उसको जब पसंद ही 5 रुपए की चौमीन आया तो उसको 5 स्टार का खाना खिलाएंगे तो उसको मतलब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, आप हमें बताना 100 रुपए में आप क्या बनाते अगर आपके पास 100 रुपए का बजट होता। ये भी बता दीजिए कि अगला हमारा बजट कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 500 होना चाहिए, 5000 होना चाहिए कि 10000 की 50000 दे देंगे मैं 10000 लॉबस्टर बना दूंगा भाई मुझे पता नहीं लॉबस्टर होता क्या, बस ये पता महंगी डिश बना दूंगा।